हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शांति जोशी श्यामा गार्डनिंग में आपका स्वागत करती हूँ। आज जो मैं पौधा आपको दिखा रही हूँ, यह है स्नेक प्लांट। आज हम इसकी कटिंग लगाएंगे और कटिंग से इसके काफ़ी प्लांट बनाएंगे। इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और एक प्लांट से आप इसके कई प्लांट बना सकते हैं। ये मल्टीप्लाई भी होते रहता है और ये पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है। तो आज हम इसके जो कटिंग लगाएंगे वो इसकी एक पत्ती से लगाएंगे और मैं आपको पूरा लगाते हुए दिखाऊंगी और किस ढंग से इसके प्लांट मेरे तैयार हो गए हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। वीडियो पूरा देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी कटिंग लगाते हैं। मैंने ले लिए हैं स्नेक प्लांट की कुछ लीफ और इसकी जो कटिंग लगाते हैं हम जिस पत्तियों की, वो ज़रा हार्ड पत्ती लेनी चाहिए, न्यू पत्ती नहीं लेनी चाहिए, मैच्योर पत्ती आप ले लें और इसको 3 से 4 इंच की कटिंग हम तैयार कर लेंगे। तो ये ले ली है मैंने कुछ कटिंग और ये जो पौधे मैंने आपको दिखाए थे ये सारे के सारे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। कुछ मल्टीप्लाई हो गए थे उनको अलग अलग करके किए हैं, अधिकांश पौधे मैंने कटिंग से तैयार किए हैं। मैंने इससे पहले भी कटिंग लगाकर आपको दिखाया था। तो देखिए, 3 से 4 इंच तक की कटिंग हम काट लेंगे और कटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से काटिएगा, अच्छे बिल्कुल साफ कटिंग होनी चाहिए। और इसको आप किसी भी आकार में कट कर सकते हैं, तिरछा काट सकते हैं, बीच में से तिरछा कट करके भी काट सकते हैं, परंतु मैं सीधे सीधे काट रही हूँ। लगाने से पहले एक बात का ध्यान रखें कि वो जो भी हम लीव काट रहे हैं वो बिल्कुल सीधी रखनी है, कहीं ऐसा ना हो नीचे का सिरा ऊपर और ऊपर का सिरा नीचे ना कर दें हम गलती से, तो हमारी कटिंग नहीं लगेगी और कटिंग हमारी फेल हो जाएगी, सक्सेसफुल नहीं होगी। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, जब भी आप कटिंग काटें तो सीरियल में रखें और उसे फिर ऐसे ही उठाकर लगाते रहें। जिस मिट्टी में हम कटिंग लगाएंगे वो मैंने ले ली है आधी मिट्टी आधी सेंट। इस ढंग से मैं कटिंग लगा रही हूँ और कटिंग मैं पूरा आपको दिखाऊंगी कि किस ढंग से मेरी कटिंग 100% सक्सेसफुल रही है। आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो आप रूटिंग हार्मोन ले लें, नहीं तो एलोवेरा जेल की हेल्प से लगा लें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो वैसे भी ये कटिंग लग जाती है। देखिए, ये मैंने तैयार कर लिया है मिट्टी और मैं पहले ही इसमें पानी डालकर तैयार रख लेती हूँ, जो नीचे तक पानी चला जाता है। अब मैं ले लूँगी एक ये पत्ती कटी हुई और इसको नीचे का सिरा नीचे ऊपर का ऊपर रखेंगे और इसका विशेष ध्यान रखें, नहीं तो आपकी कटिंग नहीं लग पाएगी। और थोड़ा थोड़ा इसमें रूटिंग हार्मोन लगाकर हम इसे दबा देंगे। ज़रूरी नहीं है आप रूटिंग हार्मोन लगाएं, ऐसे भी लगा देंगे तो तब भी लग जाती है, इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाती है और ये लगभग कटिंग 100% सक्सेसफुल होती है। मैं इसी ढंग से इसके प्लांट बनाते रहती हूँ, ये प्लांट मुझे काफ़ी पसंद है। एक तो इसमें ग्रीननेस बनी रहती है, काफ़ी हार्डी प्लांट है और ये एकाएक नहीं मरता है, थोड़ी सी केयर के बाद ये हमेशा बना रहता है, लो मेंटेनेंस प्लांट है, ज़्यादा कंपोस्ट की इसको आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो पौधा है वैसे भी काफ़ी फ़ायदेमंद है, एक तो इसकी हमेशा ग्रीननेस बनी रहती है, ऊपर से फिर ये मल्टीप्लाई होता रहता है, तो एक ही पौधे से हमें काफ़ी पौधे मिल जाते हैं, फिर पत्तियों से भी ग्रो हो जाता है तो इसकी संख्या बढ़ ही जाती है। तो अगर आपने एक बार इसे ले लिया है तो ये एकाएक आपके गार्डन से नहीं जाएगा। जब भी आप इसे लगाएं तो मिट्टी इतनी वेलडन रखें, गमले में पानी बिल्कुल नहीं ठहरना चाहिए और पानी अगर गमले में ठहरा तो इसकी पत्तियाँ गल जाती हैं। इस ढंग से देखिए, मैं सारी कटिंग मेरी लग गई है और लगने वाली है पूरी की पूरी और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इस ढंग से आप इसकी मिट्टी तैयार करें। देखिए, मैंने सारी कटिंग लगा ली है और मैं इसको निकाल कर भी दिखाऊंगी। 25 से 30 दिन में इसमें हल्की हल्की जड़ें आ जाती हैं और जो मैं कटिंग आपको निकाल कर दिखाऊंगी वो करीब मेरे लगे हुए 3 महीने पूरे हो गए हैं और ये 3 महीने के बाद मैं इसको दिखाऊंगी। आप देखते रहिएगा दोस्तों। तो इस ढंग से मैंने काफ़ी कटिंग तैयार कर ली है। अगर हम इसे नर्सरी से लेने जाते हैं तो ये 150 से लेकर 200 तक की कॉस्ट में ये पौधा मिलता है और ये स्नेक प्लांट की कई वैरायटियां होती है, मन चाही वैरायटी आप लाकर लगा सकते हैं। सारी वैरायटी काफ़ी खूबसूरत होती है और इसकी ड्वार्फ वाली वैरायटी भी होती है जो छोटी होती है, वो भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं, उसके भी मेरे पास काफ़ी प्लांट हो गए हैं और हर जगह बस स्नेक प्लांट ही नज़र आ रहा है। इसे आउटडोर और इनडोर दोनों ही आप रख सकते हैं। आप इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसको छनकर धूप मिलती रहे। देखिए
कितना खूबसूरत लग रहा है। सारी कटिंग मेरी तैयार हो गई है और ये मेरा एक डिब्बे का ऊपर नीचे का ऊपर का हिस्सा है कंटेनर का, मैंने इसे दो पीस में बना लिया था तो दो मेरे पॉट बन गए। ये देखिए इतनी सारी मेरी कटिंग तैयार हो गई है। 28 से 30 दिन में इसकी हल्की हल्की रूट निकल आती है, और पर मैं आपको इसकी कटिंग जब पूरी तरह से तैयार हो गई तब दिखा रही हूँ। मुझे लगाए हुए इस कटिंग को पूरे हो गए हैं 3 महीने, और 3 महीने में मेरी कटिंग हो गई है बिल्कुल ही तैयार। देखिए इस ढंग से जो पत्तियाँ मैंने लगाई थी वो पूरी की पूरी, देखे साइड से उसमें ब्रांच निकल आई है, नई नई प्लांट निकल आया है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहा है। देखिए दोनों ही साइड से इसमें प्लांट निकल आए हैं, और वो पत्ती जो मैंने लगाई थी वो भी ख़राब नहीं हुई है। तो इतने सारे मेरे पौधे बनकर तैयार हो गए। इससे थोड़ा सा हाइट में बड़ा पौधा होता है वो 150 का हमको मिलता है। ये देखिए इस साइड से भी निकल आई है, और उधर उधर दिखाएंगे तो उस साइड से भी निकल आई है। दोनों साइड से इसमें निकल आए हैं प्लांट, और कितना सुंदर मेरे पौधे बनकर तैयार हो गए हैं। इस ढंग से देखिए एक पत्ती में से दो दो प्लांट निकल कर आए हैं, एक लीव में से, एक लीव के टुकड़े में से दो दो प्लांट निकल कर आए हैं। ये देखिए इधर से भी निकल आया है, ये दोनों साइड से निकल रहे हैं। बहुत सारे पौधे बनकर तैयार हो गए हैं, बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों। बहुत देखिए कितने सारे पौधे बन गए, कितने सारे निकल आए हैं। देखिए इतनी अच्छी कटिंग मेरी तैयार हो गई है। जो कटिंग मैंने आपके सामने लगाई थी वो आज 3 महीने में ये इसकी हालत हो गई है, और ये सब के सब मेरी तैयार हो गई। देखिए कितना सुंदर निकल गया है, दो दो प्लांट, एक लीव में से दो दो प्लांट निकले हुए हैं। कितना अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिलती है दोस्तों जब हमारी कोई कटिंग सक्सेसफुल हो जाती है। तो उतने सारे मेरे पास प्लांट हैं, उसके अलावा भी और भी प्लांट हैं जो मैंने उस साइड में नहीं रखे हैं, दूसरी साइड में रखे हैं। तो हर साल ही मेरे कुछ ना कुछ पौधे बन जाते हैं, मुझे काफ़ी पसंद है ये, और गार्डन भी इससे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। इसे आप बेडरूम में भी रख सकते हैं, इंडोर और आउटडोर दोनों चलने वाला पौधा है। पर आप इसे ऐसी जगह पर रखें, बिल्कुल अंधेरे कमरे में इस पौधे को ना रखें, इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ इसको हल्की छनकर धूप मिलते रहे, और इसको ब्राइट लाइट में रखें, फुल रोशनी की ज़रूरत है। अंधेरे कमरे में ये डेवलप नहीं हो पाएगा, और अगर आप इसे हल्की धूप में रखेंगे और फुल रोशनी में रखेंगे तो ये पौधा बहुत तेज़ी से ग्रो करता है और मल्टीप्लाई भी होता रहेगा, और आप कटिंग लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और मल्टीप्लाई से भी आप पौधे अलग अलग करके इसके काफ़ी पौधे बना सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत एयर प्यूरीफाई प्लांट है, और ये देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए इसकी वेरीगेटेड पत्ती वाला भी होता है, वो बहुत सुंदर लगता है। इसकी कई वेराइटियाँ होती हैं, मन चाही वेराइटी आप लाकर लगा सकते हैं। देखिए इतने सारे मेरे पौधे बनकर तैयार हो गए, थोड़ी सी मेहनत के बाद इतने सारे पौधे फ्री में तैयार हो गए हैं। और अब मैं इसको लगाते हुए दिखाऊंगी। इस कंटेनर की जो मिट्टी है उसको मैं खाली करके नई मिट्टी में बना रही हूँ, जिसमें 40% गार्डन सॉयल, 30% सैंड और 30% कंपोस्ट मिलाकर मैं मिट्टी तैयार कर रही हूँ। उसके बाद ये पूरा ही फिर मैं इसमें कोई भी कंपोस्ट नहीं दूंगी, लग जाता है ये। देखिए मैंने कर ली है मिट्टी, बिल्कुल इसमें भर ली है दोबारा से मिट्टी, और बिल्कुल वेल ड्रेन मिट्टी होनी चाहिए, पानी नहीं रुकना चाहिए, पानी की अधिकता से ये पौधे ख़राब हो जाते हैं। देखिए एक पत्ती है और इधर से एक, ये दूसरी है, देखिए 4 पौधे बिल्कुल तैयार हो गए, 2 लीव से 4 पौधे तैयार हो गए हैं, 2 टुकड़ों से 4 पौधे तैयार हो गए हैं। इतनी अच्छी इसकी कटिंग लगी है, और इतने सारे पौधे अब इसी कंटेनर में लगा देती हूँ। ये पूरा जब कवर हो जाएगा तो फिर मैं इसे अलग पॉट में लगाऊंगी, क्योंकि इतने सारे पॉट भी चाहिए। तो अभी मैं इसको इसी में लगा रही हूँ, मिट्टी मैंने चेंज कर दी है और इसमें अब इसी में लगा रही हूँ। बाद में इसे थोड़ा बड़ा हो जाएगा फिर भी मैं आपको दिखाऊँगी, और कितनी जल्दी मेरे बड़े होते हैं पौधे वो भी दिखाऊँगी। मेरे वहाँ पौधों की ग्रोथ बहुत तेज़ी से होती है, और मैं कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं देती हूँ, ना ही ज़्यादा इसमें कंपोस्ट, एक बार कंपोस्ट दे दी है। अब जब इसको रिपोर्ट करूँगी मैं उस समय इसमें खाद डालूँगी, तब तक इसमें मैं कोई भी खाद नहीं डालूँगी और आपको इसकी ग्रोथ दिखाते रहूँगी। कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र की ज़रूरत इसको नहीं है, ज़्यादा कंपोस्ट की नहीं है। साल में अगर आपने 2 बार भी इसको खाद दे दी तो बहुत है, बहुत है इस पौधे के लिए। देखिए ये पर्यावरण की दृष्टि से भी ये बहुत अच्छा पौधा है,
आपके इन्वायरमेंट को ये दूषित होने से बचाता है। और एयर प्यूरीफाई प्लांट है, ऑक्सीजन 24 घंटे ऑक्सीजन देने वाला पौधा है। तो ऐसे कुछ प्लांटों को अपने गार्डन में अवश्य लगाना चाहिए, इससे हमारे गार्डन में प्रदूषण की समस्या भी नहीं होगी, दूषित वातावरण नहीं होगा, शुद्ध हवा मिलेगी और ये प्लांट भी हम देखने में अच्छा लगता है, तो गार्डन भी खूबसूरत दिखाई देगा। और ये फ्री में इतने पौधे भी बन जाते हैं, बहुत आसानी से इसकी कटिंग लग जाती है, कोई ज़्यादा केयर की आवश्यकता नहीं है, आराम से इसकी कटिंग लग जाती है। तो आप चाहें तो इसकी कटिंग लगा सकते हैं, देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। सिर्फ 3 महीने भी अभी पूरे नहीं हुए हैं, 3 महीने मेरे ये जब पूरे होंगे 15 तारीख को ये 3 महीने पूरे कर लेगा, तो 3 महीने उससे पहले ही ये कटिंग मेरी तैयार हो गई है और इतने ढेरों प्लांट मैंने बना लिए। कितना अच्छा लगता है दोस्तों जब इस ढंग से प्लांट बनकर तैयार हो जाते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। देखिए इतने सारे पौधे बन गए हैं और ये जब पूरा कवर कर लेगा तो फिर मैं आपको और दिखाऊंगी। देखिए अगर मैं इनको अलग अलग लगाती तो छोटे छोटे पॉट काफ़ी हो जाते, और ये मेरे पास वैसे भी स्नेक प्लांट काफ़ी है, बहुत सारा मेरे पास स्नेक प्लांट है। तो देखिए इस ढंग से आप भी कटिंग लगा सकते हैं, और इसमें बस ज़्यादा है यह है कि पानी का विशेष ध्यान रखें, पानी ज़्यादा ना डालें, ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ख़राब हो जाते हैं। इनकी पत्तियों में ही पानी स्टोर रहता है, पानी की अधिकता से ये प्लांट गलने लगते हैं, सड़ने लगते हैं, पत्ती ख़राब हो जाती है, पतली होके ख़त्म हो जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, और इसमें ऐसा कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र आप ना दें, हो सके तो नीम की खली आप मिला दें, गुड़ाई करके नीम की खली खाद में मिला दें। मैं हर मिट्टी में मिला के रखती हूँ नीम की खली, तो बस फिर आपके पौधे की ग्रोथ देखिएगा, 3 दुनी रात 4 चौगुनी बढ़ती रहेगी। इस ढंग से ही आप स्नेक प्लांट को लगा सकते हैं। देखिए इसकी सारी वैरायटी बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई देती है और काफ़ी फायदेमंद ये पौधा है। इस ढंग से देखिए मैंने एक कंटेनर में वेस्ट पड़े हुए था, ख़राब हो गया था, तो उसी में मेरा पॉट भी बन गया, दोनों में मैं लगा रही हूँ। और ये इस ढंग से इतने सारे पौधे इसी में इनकी ग्रोथ हो जाएगी, फिर बाद में मैं इनको चेंज करूँगी। देखिए इतने सारे पौधे बन गए हैं और कितने खूबसूरत पौधे बने हैं। देखिए थैंक यू।